हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थॉरो स्टडीज। कंप्यूटर नॉलेज सीरीज में आज पार्ट सेकंड है। आज हम देखेंगे इवोल्यूशन एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स की इवोल्यूशन कैसे हुई, आज जो कंप्यूटर्स हम देखते हैं क्या वो सदा ऐसे ही थे या इनकी कुछ डिफरेंट स्टेजेस आई हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स आज हम देखते हैं ये सदा ऐसे ही नहीं थे। सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत, हम कह लो कि एबेकस, एक सिंपल एक वुडन ब्लॉक एक उससे स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो इनका साइज था वो बहुत बड़ा साइज होता था, एक रूम तक को ऑक्यूपाई करते थे। इनसे जो हीट जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो एयर कंडीशनिंग का इनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। आज तो हमें दो घरों में एक घर में हमें कंप्यूटर मिल जाता है, लेकिन पहले ये इतने एक्सपेंसिव थे कि कोई इनको अफोर्ड कर ही नहीं पाता था, है ना। तो हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से स्टेजेस आई हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो आए थे। सबसे पहले देखेंगे एबेकस। एबेकस सिंपल क्या था, आप ये देखो कि जैसे वुडन रैक है ना, इसमें ये तारें होती थी मेटल की और इसमें ये बीड्स होते थे ना, जैसे इसमें आप लगा लो कि 10 बीड्स हो गए, इसमें 20 हो गए, तो इनको मैनिपुलेट करके कैलकुलेशंस की जाती थी। सिंपल एबेकस मतलब सिंपली सिंपल सा था ये कि बीड्स को मैनिपुलेट करके फिर कैलकुलेशंस की जाती थी। लेकिन एबेकस की भी जो इन्वेंशन थी उस समय में इतनी फेमस हुई थी कि बहुत दुनिया में फैल गई थी। इसकी इन्वेंशन चाइना में हुई थी ना, तो 5000 साल पहले हुई थी, लेकिन तब भी ये बहुत फेमस हुआ था। इसके बाद जो आएगा वो है पास्कल कैलकुलेटर। जो फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर हम जिसे कह सकते हैं वो पास्कल कैलकुलेटर है। इसको डेवलप किसने किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम पास्कल था, उन्हीं के नाम पे इस कैलकुलेटर का नाम है पास्कल कैलकुलेटर। कब किया था, 1645 में किया था। ये क्या था बेसिकली कि इंटरलॉकिंग जियर्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। जब इन जियर्स को ऐसे था, ये जैसे सिंपल ये है तो यहाँ पे लगे होते थे ना, और यहाँ पे एक बॉक्स सा बना होता था जिसमें नंबर्स आते थे सामने, तो ये 0 to 9 तक रिप्रेजेंट करते थे। जब इनको घुमाया जाता था इनमें, तो यहाँ पर भी नंबर चेंज होते थे, नंबर चेंज होते थे, उससे हमें हमारा रिजल्ट मिलता था। लेकिन ये पास्कल कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के ही करता था, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है ना। तो ये सिंपल सा था, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करता था। तो उसके बाद जो है वो आता है जैकर्ड वेविंग लूम। तो अब हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं ना, ये तो बुनाई में अपना काम करते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था इनका, तो ये क्यों यूज़ किया था, क्योंकि इन्हीं का आइडिया लेके चार्ल्स बैबेज ने आगे कंप्यूटर की मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट का आइडिया दिया था। चार्ल्स बैबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, तो उन्होंने इन्हीं का आइडिया लिया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या मेटल प्लेट ली थी, उनमें फिर होल्स किए हुए थे, जैसे मतलब आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं कंप्यूटर में, है ना, कि जैसे 1001 इनका कुछ मतलब होता है ना। अगर जब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करें तो किसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वैसे नॉर्मली ह्यूमन हम नहीं पढ़, कोई भी लेमैन तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, है ना। तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर होगा या बहुत ही ज़्यादा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी वो तो बता देता है ना कि इसका मतलब क्या है। ऐसे ही तब था, इन्होंने क्या किया था, ऐसे मेटल प्लेट में होल्स किए रहते थे जिनका कुछ मतलब होता था, तो उनको यूज़ किया था इन्होंने अपनी वेविंग पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए, है ना, कपड़े की बुनाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया था इन्होंने। तो उन्हीं का आइडिया लेके आगे चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बना नहीं पाए थे ड्यू टू फंडिंग प्रॉब्लम, है ना। तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन पूरी ज़िंदगी वो अपना बना नहीं पाए थे। आगे उनके बेटे ने हेनरी बैबेज ने कंप्लीट किया था अपना, अपने ये पापा का प्रोजेक्ट, है ना। तो उसके बाद क्या था कि एक लेडी लवलेस थी जिन्होंने फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन दी थी प्रोग्राम की, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है लेडी लवलेस को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तो अब तक क्लियर हुआ होगा। आगे आता है जो कंप्यूटर डेवलपमेंट में नेक्स्ट है, वो है हरमन हॉलियर्थ का कंप्यूटर का, जो इन्होंने क्या बनाया था ना, क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1890s में क्या हुआ था, उनके वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई,
तो जो सेंसस का डाटा कलेक्ट करने वाले थे उनको बहुत मुश्किल हुई, 7-7 साल लग जाते थे ना काउंटिंग में ही। तो उन्होंने हरमन को एक टास्क दिया कि आप कुछ ऐसा कुछ बनाओ कि इजी हो, है ना, डाटा कलेक्ट करने में। तब उन्होंने क्या बनाया था, ये कंप्यूटर बनाया था। तो उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया था, पंच्ड कार्ड्स यूज़ किए थे फॉर एज द बेसिस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। आज जैसे हम चिप्स यूज़ करते हैं ना, तब उन्होंने क्या यूज़ किया था, पंच्ड कार्ड्स यूज़ किए थे। पंच्ड कार्ड बेसिकली क्या होते थे, कि जब भी हमें पढ़ते हैं ना तो पंच्ड कार्ड मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़ करते थे कि क्या होते हैं। बेसिकली ये इतना कोई हुआ नहीं है, ये क्या होते थे, सिंपल पेपर कार्ड्स होते थे, है ना, जिनमें बहुत सेवरल परफोरेटेड होल्स होते थे। जैसे यहाँ पे मैंने ये, इन्होंने तो मेटल का यूज़ किया था, ये पेपर, ये क्या होते हैं, पेपर कार्ड्स होते हैं, इनमें भी ऐसे ही होल्स होते हैं ना किए हुए, हर एक होल का कुछ मतलब होगा। तो इनको फिर रीड कैसे किया जाता था, इनको कंप्यूटर में एक ये पेपर कार्ड या फिर आप कह लोगे पंच कार्ड रीडर होता था, जहाँ पर इनको इंसर्ट किया जाता था, फिर प्रोग्राम वहाँ से इनमें जो स्टोर डाटा है उसको रीड करता था। लेकिन बस इनको आप ये देख लो कि डाटा कौन सा इतना है कि ना, एक दो घर का होगा, तो कंट्रीज का डाटा होता है अपना इतना इतना बड़ा, तो इनको कलेक्ट करना भी इनमें तो बहुत सी, है ना, स्टेक बन जाएगा, है ना, एक पता नहीं कितने का हमारे पास पेपर कार्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे, और उनको उनके नंबरिंग में ही हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर नहीं कर सकते, है ना, तो वहाँ से भी डाटा में बना गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत से इनको संभाल के रखना पड़ता था, है ना। तो बेसिकली ये जो पंच्ड कार्ड थे ना, हम इनको इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते, ये तो सिंपल स्टोरेज यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइसेस थे। इनपुट अगर हम डिवाइस की बात करें तो वो पंच कार्ड रीडर तो इनपुट हमारा डिवाइस हो सकता है, लेकिन पंच्ड कार्ड ये नहीं थे, हम इनको हम इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते, ये तो स्टोरेज डिवाइसेस थे। तो आई होप कि आपको इनका क्लियर हुआ होगा कि हरमन हरमन ने क्या किया था, कि इन्होंने बस पंच कार्ड यूज़ करके ऐसे इन्होंने एक टैबलेटिंग मशीन बनाई थी, है ना। तो उसके आगे आता है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, उसका ये ENIAC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, इसका किसने बनाया था, ये जॉन मोशली और जे प्रेस्पर ने बनाया था। इसकी खासियत क्या थी, इसमें जो प्रोग्राम्स थे ना उनको एक परमानेंट पैनल था उसमें वायर्ड किया गया था, ठीक है, इसकी एक खासियत थी। तो उसके बाद जो आता है वो आता है एडसेक। एडसेक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये किसने बनाया था, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। दरअसल इनका ये आइडिया था कि जो भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि इनबिल्ट होनी चाहिए कंप्यूटर में, जब चाहा तब उनको यूज़ कर लिया। तो इन्होंने अपने आइडिया को आगे अपने कंप्यूटर में डाला, है ना। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको स्टोर किया गया था कंप्यूटर में, कंप्यूटर था वो कैपेबल था ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन का आइडिया था कि हमें कंप्यूटर्स को ऐसा बनाना चाहिए कि उनमें इनबिल्ट हो, वो अपने इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके, है ना। तो ये एडसेक कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर था जिसमें इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी को उसमें स्टोर किया गया था। उसके बाद जो आता है UNIVAC 1, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ये 1951 में बना था, 1951 में बना था, और ये फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो कमर्शियली अवेलेबल हुआ, वरना इससे पहले कोई भी कंप्यूटर कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। तो ये थी हमारे कुछ 6-7 कंप्यूटर्स की इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में कंप्यूटर्स की स्टेजेस जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किसमें क्या यूज़ हुआ था। अब हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मेनली 5 जनरेशंस हम इनमें डिस्कस करते हैं। इनमें मेनली फ़र्क क्या है, एक तो साइज़ रिड्यूस होगा, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़ेगी, साइज़ रिड्यूस होता जाएगा उनका, ना। तो उनमें पहले स्टोरेज की क्या क्या यूज़ करते थे, आज स्टोरेज मेमोरी स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए जो यूज़ हो जाता है बेसिकली इसी चीज़ में अंतर है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं,
की है अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। किस चीज़ का यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम क्या यूज़ किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के लिए, ठीक है। और ये इनमें मशीन लैंग्वेज कौन थी? ये रिलाई करते थे मशीन लैंग्वेज, मतलब वंस एंड जीरोस पे। ये क्या लोएस्ट लेवल की जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है ना, वो इनमें यूज़ की जाती थी। अब तो खैर बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत इंप्रूव कर चुकी हैं, लेकिन जो लोएस्ट लेवल की होती थी ना वंस एंड जीरोस, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। ये क्या होता था कि ये सॉल्व कर पाते थे सिर्फ एक प्रॉब्लम को एट अ टाइम। तो इनकी प्रोसेसिंग कह सकते हैं हम इतनी फास्ट नहीं थी ना, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी लिमिटेड थी, स्लो इनपुट आउटपुट था, और हीट और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी कि तो हमारे जो इनको एयर कंडीशनिंग के है ना, रूम को ठंडा रखने के भी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी ना, पावर यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जाती थी, खर्चे बहुत बढ़ जाते थे। तो आम बंदे के तो बस की बात थी ही नहीं इनको यूज़ करना। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं जो अभी हमने पढ़े हैं? एनियाक है ना, यूनिवैक, ये सब क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, और मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह हम मैग्नेटिक कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है इसमें? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करने शुरू होगी, जैसे ये फोरट्रेन हो गया है ना, कोबोल वगैरह, ये सब यूज़ होगी इनमें यूज़ करने के लिए। और साइज़ का भी बहुत रिड्यूस, साइज़ इनका बहुत रिड्यूस हो गया है ना, हीट जनरेशन में भी कमी आई, इनकी स्पीड और रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मेन स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, अब इनकी फास्ट इनपुट आउटपुट होगी, है ना। तो ये हुआ सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करना शुरू हो गया, और मैग्नेटिक कोर का तो यूज़ अब तक चल ही रहा था। उसके बाद टाइम शेयरिंग भी एक कंसेप्ट है जो इसमें आ गया, मतलब एक टाइम पे आप कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स कर सकते हो, है ना। जैसे अब आप, हम कहते हैं एक तरफ तो हम अपनी एक्सेल पे कह लिए कि अपनी, या फिर पावर पॉइंट पे अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? टाइम शेयरिंग कहते हैं ना। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स इसके आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। तो इनको हम क्या कहते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी ना। और जो ये थे ना, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये कहाँ पे डेवलप किए गए थे? ये डेवलप किए थे जेएस किल्बी ने डेवलप किए थे। किसने? मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, JS किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स डेवलप किए थे JS किल्बी ने, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात आती है। फोर्थ जनरेशन में क्या था? यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है फोर्थ जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन को बेसिकली आप इंटेल से रेफर करो, कि इंटेल की डेवलपमेंट होती है वो फोर्थ जनरेशन में हुई है। इंटेल ने फिर एक चिप बनाई थी, जैसे 4004 चिप। इसमें क्या हुआ था? 1971 में बनाई थी, इसमें चिप में ही उन्होंने सब कुछ लोकेट कर दिया था, जैसे CPU, मेमोरी, है ना, इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट्स, उन्होंने एक सिंगल चिप में ही ये सब कुछ डाल दिया था। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन फिर भी इसके कुछ एप्लीकेशंस तो हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन हो गया ना। तो ये फिफ्थ जनरेशन में इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एग्जांपल है। तो यहाँ तक होती हैं हमारी जनरेशंस। हम एक बार ब्रीफ में दोबारा देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कि हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ करते थे, और इनमें मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जो क्या थी? लोएस्ट लेवल ऑफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ना, वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। उसके बाद ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे एक टाइम पे, है ना। तो मतलब उनकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर आती है सेकेंड जनरेशन की बात। सेकेंड जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता है एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, और हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ना।
और डाटा को, और इसके बाद क्या था कि जैसे जो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप थी ना, वो भी सेकेंड जनरेशन में आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात आती है, इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था, है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम एक सिंगल चिप में ही कंप्रेस करते थे। कौन से चिप थे, सिलिकॉन चिप में। सिलिकॉन चिप्स को, इनको सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है ना। तो थर्ड जनरेशन में हमारे सेमीकंडक्टर्स, या फिर आप सिलिकॉन चिप्स कह लो, उसकी इवोल्यूशन हो गई है ना, वो आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता था, एमरजेंस ऑफ टाइम शेयरिंग हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गई इनमें। और फोर्थ जनरेशन की जब आती है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा हमारे फोर्थ जनरेशन में, और लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस हो जाएंगी। आप ये चिप का नाम याद रख सकते हो, इंटेल की, इंटेल 4004 चिप। और फिफ्थ जनरेशन में आ जाएगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को ही हम दोबारा ब्रीफ में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है एबेकस से। एबेकस क्या था, कुछ सिंपल एक वुडन रैक था जिसमें पैरेलल वायर्स होती थी, उनमें हमारे बीड्स होते थे जिनको हम मैनिपुलेट करके हमारी कैलकुलेशंस करते थे। उसके बाद आता है पास्कल कैलकुलेटर। ये क्या था, फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, डेवलप बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, और एक कंस्ट्रक्ट किया गया था। कैसे किया गया था, बाय इंटरलॉकिंग जियर्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर फ्रॉम 0 to 9, और ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ही कर सकता था, ठीक है। उसके बाद आता है जैकर्ड वेविंग लूम, ये 1801 में बनाया गया था। मेटल प्लेट्स विद पंच्ड होल्स टू कंट्रोल वीविंग पैटर्न इसमें यूटिलाइज किया गया था। मतलब मेटल प्लेट्स थी, उनमें होल्स पंच किए गए थे, उससे जो जैकवर्ड थे वो अपने वेविंग लूम को कंट्रोल कर पाते थे, वीविंग पैटर्न को कंट्रोल कर पाते थे। उसके बाद आता है बेबेज का एनालिटिकल इंजन, जो होना तो था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, लेकिन वो उनकी लाइफ टाइम में बना ही नहीं। उसके बाद एक नाम आता है लेडी लवलेस का, जिन्हें हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। उसके बाद आता है हरमन हॉलियर्थ का, इन्होंने पंच्ड कार्ड यूज़ किए थे एज द बेसिस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। और जो उसके बाद आता है, वो आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन सा था, एनिएक था। क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किन्होंने बनाया था, बाय जॉन मोशले एंड जे प्रेस्पर ने बनाया था। इसमें क्या किया गया था, प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया था इन अ परमानेंट पैनल में। फिर उसके बाद आता है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किन्होंने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कैपेबल था ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमरी। उसके बाद आता है यूनिवेक 1, ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो कमर्शियली अवेलेबल था। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगली डिस्कशन में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे, जैसे मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, है ना। ये सब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई नई वीडियो अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।